हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अभी बज रहा है 10:30। मैंने आज ब्लॉग लेट स्टार्ट करा था, वैसे हम 8 बजे उठ चुके थे। आज मैंने देव को स्कूल नहीं भेजा क्योंकि उसे खांसी हो रही थी और वो सेफ नहीं था, और बच्चों को भी खांसी वायरल हो जाता, इसलिए मैंने आज उसे स्कूल नहीं भेजा। उसकी तबीयत भी थोड़ा वीक लग रहा था वो, इसलिए आज उसकी मैंने छुट्टी कर दी। और इसलिए हम 8 बजे उठे हैं और अभी जितेंद्र और देव उठ चुके हैं। मैंने मॉर्निंग की चाय बना ली है, हमने मॉर्निंग की चाय पी भी ली है। हेलो देव, राधे राधे। आहा, वाह यार। अच्छा, आप स्कूल क्यों नहीं गए बेटा आज? आपको क्या हुआ? अच्छा, अभी ये तारक मेहता देख रहा है। देखिए, सुबह सुबह हमारे यहाँ पर तारक मेहता स्टार्ट हो जाता है, बच्चों को तारक मेहता अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, ये जितेंद्र का न्यू लुक, ये ऑफिस के लिए रेडी हो रहे हैं। फ्रेंड्स, आज काम वाली आंटी नहीं आएगी 2-3 दिन, क्योंकि वो गए हैं जोत माता के यहाँ पर, और अब सारा काम करना पड़ेगा। और मेरे से भी आज लेट हो गई, या जल्दी सोचते कि जल्दी उठेंगे, जल्दी काम हो जाएगा, जल्दी काम करना है, उस दिन मन नहीं करता। और रोज़ मैं जल्दी उठ जाती हूँ और काम भी मेरा जल्दी होने लग जाता है, लेकिन आज जब मुझे जल्दी उठना था तो मेरी नींद 8 बजे खुली है, क्योंकि देव को स्कूल नहीं भेजा था, मैं रिलैक्स होकर सो रही थी। तो करते हैं फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं आपसे, बाय। फ्रेंड्स, मेरा घर का सारा काम हो चुका है, लवीना खुशी भी उठ चुकी है और अब मैं नहाने जा रही हूँ, फिर इनके लिए खाना बनाऊंगी लेट, जब ही आएंगे खाना खाने। फ्रेंड्स, रोज की तरह खुशी आज बैठ गई है सोफे पे, बैठ के मोबाइल चला रही है, और हमारी लवीना दीदी उठ चुकी है। मुँह छुपाने से कुछ नहीं होगा बेटा। फ्रेंड्स, नहाकर मैं हो गई हूँ रेडी, मैंने खाना भी बना लिया है सबके लिए, सब खाना खा चुके हैं, बस मैं रह गई हूँ। और मैं अभी प्रेस कर रही थी अपने सूट की, और देव देखिए कैसी मस्ती कर रहा है, क्योंकि मेरा फ्रिज बार बार ओपन क्लोज कर रहा है। देव, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? क्या ढूंढ रहे हो? फ्रिज बंद नहीं हो रहा, आपने बॉटल सही नहीं रखी होगी। क्या बंद हो गया? फ्रेंड्स, आज का वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बस अब झमाझम बारिश होने वाली है। दिखाती हूँ मैं आपको, देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा व्यू लग रहा है, कितना अच्छे, देखिए बादल भी हो रहे हैं और बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और मशीन में मेरे अभी भी कपड़े धुल रहे हैं, अभी भी मशीन में मेरे कपड़े हैं। मैंने सारे कपड़े अपने यहाँ टांग दिए हैं, क्योंकि सारे कपड़े धोकर यहीं डाल देती हूँ, क्योंकि मुझसे बार बार चढ़ा उतरा नहीं जाता, बार बार कपड़े थोड़े थोड़े उसमें डालना पड़ते हैं, बार बार इतने ऊपर जाना मुझसे नहीं होता, मेरे घुटनों में दर्द होता है, इसलिए मैं सारे कपड़े धोकर यहीं डाल देती हूँ और यहीं से उतार के अलमीरा में जमा भी देती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट, और देव भी सो चुका है। देखिए, दिव सो गया है, आज वो स्कूल ले गया है, तो आज स्कूल को बहुत मिस कर रहा है। आज उसकी तबीयत ठीक थी इसलिए मैंने उसे स्कूल नहीं भेजा, और अब हम करेंगे थोड़ा रेस्ट। खुशी लवीना भी रेस्ट कर रही है, फिर मिलते हैं हम बाद में। फ्रेंड्स, आराम नहीं कर पाए, मतलब मुझे तो नींद आई नहीं, और देव भी उठ चुका है, देव ने चाय बिस्किट खा लिया है। देव बोलो लवीना से सो रही है। लवीना तो बड़ी आलसी लड़की है, देखिए फ्रेंड्स सो ही नहीं है। तो मुझसे हो गया गुस्सा। देव क्या हुआ बाबू? देव ये देखिए, हमारे घर में 24 घंटे तारक मेहता चलता रहता है। ये लड़की मुझे कुछ नहीं देखने देती, ये देखिए। और खुशी हमेशा की तरह सिर्फ फोन पे मोबाइल, बस चाय पी लो। फ्रेंड्स, हम पी रहे दोपहर की चाय जो खुशी ने बनाई, बहुत टेस्टी चाय, यम्मी चाय। फ्रेंड्स, अभी बज रहे होने 7, और अभी भी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ। ये लेडीज़ों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सुबह और शाम की, वो क्या बनाए। अगर फैमिली वाले खा ले तो ठीक है, नहीं खाए तो बेचारी की मेहनत ही पानी में चली जाती है लेडीज़ों की। और अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, तो थोड़ा सा मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया इस सोच कर, इसलिए मैं अभी म्यूज़िक सुन रही थी, थोड़ा हमने डांस करा, म्यूज़िक सुना, और अभी 7:45 हो रहा है, मेरे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बनाऊँ, तो मुझे शाम के खाने की तैयारी करना है। जैसे
मिलती हूँ आपको खाना बनाने के बाद, बाय। फ्रेंड्स हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट जाके मैं घर आऊंगी जब मैं आपको बताऊंगी कि मार्केट क्यों जा रही हूँ और हम मार्केट से क्या लेकर आ रहे हैं, बाय। फ्रेंड्स अभी हम आए हैं देव के लिए बाइसिकल लेने, और अभी हमको एक बाइसिकल पसंद आई है, मैं आपको बताती हूँ। हमें देव के लिए ये बाइसिकल अच्छी लगी है, और एक ही स्पोर्ट्स में, बट मुझे और देव को ये पसंद आ रही है, और मुझे वो अच्छी लग रही है, और इन्हें स्पोर्ट्स वाली अच्छी लग रही है। देव आपको कौन सी अच्छी लग रही है बेटा? देव को भी ये पसंद आई, देव को मुझे अच्छी लग रही है, और हमने ये फाइनल कर ली है। देखिए फ्रेंड्स, देव ने मैंने जो पसंद करी थी वो बाइसिकल देव लेकर आ गया है। ये देखिए कितना एंजॉय कर रहा है, इतना हैप्पी हो गया वो। ये देखिए बहुत खुश हो गया। दे इधर आओ, पीछे आओ, देखिए फ्रेंड्स इसे चलाने की भी, देखिए खुद ही इतना एक्सपर्ट हो गया हो, खुद ही अपने आप चला लेता है। देखिए ये देखिए फर्स्ट टाइम वो बाइसिकल पे बैठा है और उसे आ भी गई। देखिए फ्रेंड्स देखिए, हाय हाय देव, ये देखिए देव की न्यू तो गाइस देखो देव की साइकिल की लवीना ने कर दी है पूजा। अब मैं उसकी साइकिल पे माला चढ़ाऊंगी, एंड चलो तो इधर खड़े हो इधर आप, हाँ बैठो उस पे बैठो। अरे नहीं ये सुन, हाँ वहां पर बैठे। देव की साइकिल आपका घर में स्वागत है, ओ आपका घर में स्वागत है, आइए पधारिए देव की साइकिल। फ्रेंड जब से साइकिल आई है घर में ऐसे चला रहा है साइकिल खुद ही, बहुत शैतान बच्चा है, बहुत जिद्दी करता है ये। अब तो खुश हो गया देव, क्यों देव? अपने फ्रेंड्स को क्या बोलोगे? ये देखो इसकी दोनों बहनों ने इसकी बाइसिकल की पूजा भी कर दी। फ्रेंड्स आज भी मेरा दिन लगभग अच्छा गया, एंड में मुझे समझ में आ गया था शाम को कि मुझे क्या खाना बनाना है, मैंने वही बनाया। मैंने आज बनाया था कढ़ी चावल और सबको अच्छा लगा, और आज का दिन तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छा रहा क्योंकि देव की न्यू बाइसिकल आ गई, वो बहुत खुश है और इसमें ही हमारी खुशी है। सो फ्रेंड्स आपको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट्स करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत बहुत प्यार दें। तो सो फ्रेंड्स बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर, बाय।